नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। आपके साथ मैं हूं अंकिता। गुजरात के मोरबी में कल की शाम कई लोगों के लिए काल बन के आई। मौका था छठ पूजा का। सैकड़ों की तादाद में लोग छठ पूजा के लिए पुल में चढ़ गए। मच्छू नदी में बना केबल ब्रिज अचानक टूट जाने से कई लोग नदी में समा गए। ब्रिटिश कालीन पुल टूटने से कम 141 लोगों की मौत हो गई है, जबकि अब तक 177 लोगों को बचाया गया है। लेकिन अभी भी कई लोग लापता हैं, जिनकी तलाशी के लिए अभियान जारी है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अस्पताल पहुंचकर घायलों से मुलाकात की। उन्होंने ब्रिज के टूटने के बाद एक समीक्षा बैठक भी की थी। घटना की जांच के लिए एसआईटी के 5 सदस्यीय समिति का गठन भी कर दिया गया है। तो वहीं एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 3-3 टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल है। हादसे की भयावहता को देखते हुए भारतीय वायुसेना IAF ने गरुड़ कमांडो की टीम पहुंचाई है। छठ पूजा के लिए भारी तादाद में महिलाएं और बच्चे भी पुल में चढ़े हुए थे, तभी अचानक से पुल की केबल टूट गई, जिससे कई लोग नदी में गिर गए और चीख पुकार मच गई। आपको मामले से जुड़ी अहम जानकारियां भी दे देते हैं। राजधानी अहमदाबाद से लगभग 300 किलोमीटर दूर स्थित सस्पेंशन ब्रिज रविवार शाम 6:42 पर अचानक गिर गया। उस समय छठ पूजा के अनुष्ठान करने के लिए लगभग 500 लोग एकत्र हुए थे। एनडीआरएफ की 5 टीमों के मौके पर पहुंचने के साथ ही पुल ढहने के बाद बचाव अभियान शुरू किया। बाद में सेना, नौसेना और वायुसेना को भी कार्रवाई में लगाया गया। अधिकारियों ने बताया कि करीब 19 लोगों को गंभीर रूप से घायल होने के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया है और नावों की मदद से बचाव कार्य किया जा रहा है। चश्मदीदों के मुताबिक करीब 150 साल पुराने पुल पर कई महिलाएं और बच्चे थे। मौके से मिले वीडियो में कुछ लोगों को पुल टूटने के बाद सुरक्षित तैरते हुए देखा जा सकता है। कई लोग पुल के टूटे सिरे से बाहर आने की कोशिश कर रहे थे। मच्छू नदी पर बने पुल के जीर्णोद्धार के लिए 7 महीने तक इसे बंद रखा गया था। इसे 26 अक्टूबर गुजराती नववर्ष पर जनता के लिए फिर से खोला गया। स्थानीय नगर निकाय के प्रमुख संदीप सिंह जाला ने बताया कि गुजरात के मोरबी शहर में टूटे सदी पुराने पुल की मरम्मतकर्ता ने इसे फिर से खोलने से पहले अधिकारियों से फिटनेस प्रमाण पत्र नहीं लिया था। गुजरात के श्रम और रोजगार मंत्री ब्रजेश मेरजा ने कहा कि हाल ही में पुल का नवीनीकरण हुआ, हम भी हैरान हैं। हम इस मामले को देख रहे हैं, सरकार इस त्रासदी की जिम्मेदारी लेती है। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि गैर इरादतन हत्या और जानबूझकर मौत का कारण बनने के आरोपों में मामला दर्ज किया गया है। जो भी जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। संघवी ने कहा कि पुल गिरने की जांच के लिए 5 सदस्यीय उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया है। राज्य सरकार ने हादसे में मरने वालों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए मुआवजे की घोषणा की है। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पीड़ितों के परिवारों को 2-2 लाख रुपए की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है। देश और दुनिया की तमाम खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.jbt.com को लॉगिन कर सकते हैं। जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।